हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 11 का फिजिक्स का मॉडल सेट 2 है। इसमें इसका सेक्शन ए का वीडियो है। ये तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखें क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान और आकार कम है। पृथ्वी अर्थात चंद्रमा जो है पृथ्वी से आकार में भी कम है और उसकी उसका द्रव्यमान भी कम है और आकार यानी कि त्रिज्या छोटी है, इसलिए चंद्रमा का पलायन वेग भी कम होगा और यह पलायन वेग चंद्रमा पर स्थित गैसीय अणु के ऊष्मीय वेग से कम होता है। मैंने गैसीय अणु का जो वेग होता है उससे भी वह कम होता है, जिससे क्या होता है कि गैसीय अणु चंद्रमा के क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं और यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। देखिए पलायन वेग का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ वी बराबर 2gr और g बराबर होता है gm बाय r स्क्वायर। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर r अगर कम होगा तो पलायन वेग कम होगा, g का मान भी कम होगा तो पलायन वेग कम होगा। और g का मान डिपेंड करता है किस पे, द्रव्यमान पर। देखिए m लिखा हुआ है तो जिस भी ग्रह का अगर द्रव्यमान कम होगा तो जी का मान कम, और जी का मान कम तो पलायन वेग कम। उसी तरह यहाँ त्रिज्या कम तो पलायन वेग कम। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्रव्यमान और आकार दोनों कम है। तो ऐसे सूत्र से ही पता चल रहा है कि इसका चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि उसका क्या होता है पलायन वेग बहुत ही कम होता है। बहुत कम अर्थात मतलब वहाँ पर वायुमंडल के जो वायु के अणु हैं वहाँ रह ही नहीं सकते, वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिए जी का विमीय सूत्र, तो चूंकि ये जी जो लिया गया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण बल से है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला एफ बराबर जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ ले आए और यहाँ ला करके यहाँ रख दिए। अब यहाँ देखिए निकालने आपको सिखा रहे हैं कि कैसे सीखना है। तो ऐसा ही मात्रक अगर हम लेते हैं तो बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और दूरी का होता है मीटर स्क्वायर और यहाँ द्रव्यमान का होगा किलोग्राम किलोग्राम, तो केजी कट जाएगा। तो ये केजी चला जाता है ऊपर और यहाँ मीटर दो और एक मीटर तीन हो जाता है, एस पर पावर माइनस टू हो जाता है। तो केजी का मान यहाँ माइनस, यहाँ देखिए केजी को चूंकि हम विमीय सूत्र जो लिखते हैं तो किलोग्राम का मास एम होता है, दूरी का मीटर का एल, लेंथ और समय का टी। तो यहाँ पर उसी आधार पे हम लोग लेते हैं केजी के लिए एम, मीटर का एल और यहाँ एस का टी। अगला क्वेश्चन है स्टील और रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ है। तो अगर स्टील और रबड़ में प्रत्यास्थता अगर देखना हो तो हम लोगों को उसका दो समान आकार का लेंगे, समान मोटाई और समान लंबाई के स्टील के तार और रबड़ लेते हैं, रबड़ की डोरी लेते हैं जिसका मोटाई भी समान है और लंबाई भी समान है। तो हम देखते हैं कि उसकी लंबाई की वृद्धि करने के लिए, मान लीजिए कि उसमें समान लंबाई की वृद्धि करना चाह रहे हैं, मतलब दोनों रबड़ जितना लंबा खींचना चाह रहे हैं उतना स्टील भी खींचना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि स्टील को खींचने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऊर्जा यानी कि ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ती है, और हम जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा बल लग रहा है यानी प्रत्यास्थता उसकी अधिक है, इसलिए यहाँ लिखे स्टील के ताप पर अधिक बल लगाना पड़ता है, अतः रबड़ की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। श्यानता गुणांक क्या है, द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच। यहाँ देखिए द्रव के अंदर दो एकांक क्षेत्रफल वाली दो परत है इस तरह से, इन दोनों परतों के बीच कहता है जो बल होता है वही बल कहलाता है श्यान बल। ठीक है, श्यानता गुणांक, श्यान बल ही श्यानता गुणांक के बराबर होता है। लेकिन एक कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच, यानी इसका क्षेत्रफल अगर हम एक मीटर स्क्वायर लेते हैं तो इसका भी क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर होगा। अब कह रहा है एकांक वेग प्रवणता के लिए, यानी इन दोनों के बीच जो वेग प्रवणता होगा, वेग प्रवणता को हम लोग लिखते हैं डी वी बाय डी एक्स, जिसका मान वन लिया गया है, यानी एक मीटर स्क्वायर यानी एकांक क्षेत्रफल वाले दो परतों के बीच अगर हम एकांक वेग प्रवणता के लिए जो बल लगाते हैं वही बल श्यानता गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, वेग प्रवणता मतलब क्या होगा, विस्थापन के साथ वेग में परिवर्तन, यहाँ विस्थापन नीचे है वेग यहाँ है, तो विस्थापन के साथ वेग में परिवर्तन ही वेग प्रवणता कहलाता है। और एकांक वेग प्रवणता यानी एकांक वेग प्रवणता के लिए दोनों के बीच जो बल लगेगा वही बल कहलाता है श्यानता गुणांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है उस तापमान की गणना करें जिसका अंकीय मान सेल्सियस और फॉरेनहाइट पैमाने में समान है। तो इसमें कह रहा है कि फॉरेनहाइट और सेल्सियस में पहले हम लोग संबंध देख लेते हैं। तो सेल्सियस का जो निम्न नियत बिंदु होता है वो 0, इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया तो नीचे 100 लिख दिए। अब फॉरेनहाइट में क्या होता है, निम्न नियत बिंदु 32 होता है और नीचे 180, क्योंकि 180 बराबर भागों में बांटा गया है तो इसका 0 कटा। अब यहाँ पे सी में 0 घटाते हैं, सी बटे 10, एफ माइनस 32 अब बटे 18, तो 2 से ये कट जाता है, 2 पंचे 10, दोनों 18, तो सी बाय 5
एफ माइनस 32 9, 9 से हम इसको मल्टीपल कर दिए और इसको इससे 5p 32 पंचे 160। चूँकि यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का अंकीय मान बराबर है इसलिए हम एफ और सी को बराबर कर देंगे, तो यहाँ सी की जगह अब एफ रख देंगे, तो 5p को इधर लाएंगे, माइनस 160, 9 में 5 गया 4 और यहाँ 160 4 से घटाएंगे तो माइनस 40। आंसर आपका यही है। अब कह रहा है SHM को क्रियान्वित करने वाले कण के वेग और विस्थापन के बीच कला अंतर क्या है। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति, यानी कोई भी कण अगर दोलन करता है अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करता है तो वो गति कहलाता है सरल आवर्त गति। तो इसमें कह रहा है कि दो कण ले लेते हैं, दो कह रहा है पहले कलांतर का डिफिनेशन समझिए, कलांतर क्या है, दो दोलनकारी कणों की कला के बीच के अंतर। दो दोलनकारी कण, यहाँ कला किसको कहा गया है, तो कला कहा गया है मुड़ने को, जैसे ये गया और यहाँ से फिर अगर ये गया तो इन दोनों का ये कला है, इसका ये कला है, तो यही कह रहा है कि दोनों के कला के अंतर को ही कलांतर कहते हैं। तो यहाँ मुड़ना ही एक प्रकार की कला है, तो दो कण मान लिए हम लोग ए और बी, ए की कला को हम ले लिए ओमेगा टी और बी की कला को ले लिए ओमेगा टी प्लस फाइव, तो दोनों के बीच, दोनों कणों के बीच जो कलांतर होगा जो ज़्यादा है उसको आगे रख के घटा देंगे, तो ब्रैकेट तोड़ते हैं, ओमेगा टी कटता है फाइव, तो फाइव ही क्या है, कलांतर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सात नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के बीच एक अंतर लिखे। तो अनुप्रस्थ तरंग गति में माध्यम के जो कण होते हैं ये माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। देखिए तरंग इधर जा रहा है तो संचरण की दिशा इधर है, लेकिन कंपन हो रहा है माध्यम के कण ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी को बोलते हैं कि लंबवत कंपन करना। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या है, इसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश यानी स्प्रिंग जब आप हिलाते हैं तो स्प्रिंग को आप देखिएगा ऐसे गति नहीं करता है, वो ऐसे गति करता है, मतलब आगे पीछे आगे पीछे, तो इसको बोलते हैं तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करना। और जब हम किसी डोरी को हिलाते हैं तो देखिए ऊपर नीचे गति करता है, तो डोरी में जो उत्पन्न तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों के समान होती है, और ये अनुदैर्ध्य तरंग स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंगे होती है वो तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो सेक्शन ए आप लोग का कंप्लीट हो गया, और सेक्शन ए का जो वीडियो अगर आप लोग देखें तो पूरा देखें, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल के बारे में बताएं।